और से देखो यहाँ पर मैं PUBG का यूसी लिया था जो कि 750 का लिया था, फिर 380 का लिया था, दोनों का दोनों यहाँ पर गौर से देखो ये मेरा पैसा रिफंडेड, यानी कि मेरा पैसा रिफंड हो चुका है। ये भाई कोई एडिटिंग नहीं है यार, गौर से देखो, गौर देखो यहाँ पर, गौर देखो, अगर आपको गौर देखना है तो आप गौर देखो यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा रियल है यार। गौर देखो यहाँ पर मेरा 750 रुपये में रिफंड किया, 380 रुपये रिफंड किया, यहाँ पर मैं देखो जो भाई क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में भी रिफंड मारा हूँ सबका सब। अरे ऐसा ट्रिक दूंगा यार आपको रिफंड मारने का, ऐसा ट्रिक दूंगा कि चुटकियों में आपका रिफंड सक्सेसफुल अप्रूव्ड हो जाएगा। बोला योर गूगल प्ले रिफंड हैज बीन अप्रूव्ड, यानी कि आपको गूगल प्ले का जो रिफंड था वो अप्रूव्ड हो चुका है। भाई एक रुपए का बात रहे है, दो रुपए का बात रहे, सबका सब गूगल प्ले का बैलेंस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। देखो 750 का रिफंड मारे थे, 750 वाला रिफंड भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अगर उसके बाद देखोगे तो 380 वाला रिफंड मारे थे, 380 वाला भी रिफंड मेरे यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आप कितना भी रिफंड मारो, और भाई आप लोग गौर देखो तो मेरा रिफंड सब कुछ जितना भी यहां पर गौर देखो, ये वाला भी रिफंड अप्रूव किया था, एक बार गौर से देखो यहां पर से, तो ये बोला कि ये वाला रिफंड जो गौर से गूगल प्ले रिफंड हैज बीन अप्रूव्ड, ये कितना का था भाई 699 रुपया का था। सबका सब रिफंड मैं यहां पर ले चुका हूं। अगर आप लोग भी रिफंड लेना चाहते हो, अगर आप लोगों को रिफंड लेने नहीं आता, अगर आप किसी भी गेम में पैसे लगा दिए और उसको लगा करके फंस गए हो, तो मैं आपको उस पैसे को रिफंड करने का ट्रिक बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी मार्केट पर एक लूट चल रहा है, 95% डिस्काउंट ऑन एनी गेम आईडी, यानी कि गेम किसी भी गेम में आप 95% तक का डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए गेम के अंदर में। तो वो अगर वीडियो चाहिए तो आज के इस वीडियो को देखो और उस वीडियो के बारे में कमेंट करो, मैं उस वीडियो को बना करके दूंगा। और इसी तरह का रिफंड से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट करके बता देना कि रिफंड करना कैसे होता है, अगर आपका रिफंड कैंसिल कर दिया जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन होता है, सभी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर कोई चीज कवर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को लेकर चला जाता हूं। और हाँ, अगर आपके पास गूगल प्ले बैलेंस नहीं है तो अगर आप फ्री में गूगल प्ले बैलेंस चाहते हो तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए भी आपको कुछ कुछ उपाय बताऊंगा ताकि आपका भी गूगल प्ले बैलेंस इसी तरह से करके बढ़ता रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गौर से देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर मैं दो को ऑर्डर किया था। ऑर्डर क्या भाई 750 रुपए का, ये ऑर्डर हुआ था भाई PUBG का यूसी लेने में। यहाँ पर अपना गौर से देखोगे तो मेरा PUBG का यूसी लिया था और वो पैसे मुझे रिफंड चाहिए, बिकॉज मैं इसमें गलती से नहीं जानबूझ कर लिया था, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मैं किस तरह से करके यहाँ पर से यूसी ले सकता हूं और यूसी लेने के बाद में उसे रिफंड भी कर सकता हूं। तो भाई आज के इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि अगर आप गलती से भी किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी गेम में पैसे लगा देते हो तो उसे आप रिफंड कैसे कर सकते हो। तो भाई पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग गौर से देखो, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं रखा हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो 750 का एक लिया था और एक 380 रुपए के आसपास में लिया था, 380 रुपए का लिया था। और ये सब का सब लेने के बाद में अब मैं चाह रहा हूं कि ये पैसा मुझे रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न करने के लिए आपको मेल में ही एक रिफंड पॉलिसी करके लिख कर कहा था, जिसमें अगर मान के चलो अब 300 वाला लियो तो 300 रुपए लेना चाहते हो रिफंड, या 700 रुपए लिए तो 700 लेना। देखो दोनों में आपको मेल में ही रिफंड पॉलिसी करके लिख करके आ जाता है, ठीक है। मेल का ही ऑप्शन में रहेगा, जिसमें मेल आएगा ना कि आपको इतना का पेमेंट किया उसका में ही आपको रिफंड पॉलिसी मिलता है, तो वहां से आकर के आप रिफंड रिक्वेस्ट और रिफंड का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग यहां से अप्लाई ना करना चाहते हो तो आप लोगों को और भी मेथड मिलते हैं, मेथड क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप लोग गौर से देखो, यहां पर ये रिफंड पॉलिसी का सेक्शन पर क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है भाई, आप किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, क्रोम ब्राउजर ही होना चाहिए, अदर कोई नहीं, क्रोम ब्राउजर। यहां पर आना है, यहां पर सर्च करना है google play.google.com.refund ऐसा करके, ये वाला जो लिखा हुआ है ना यही वाला आपको लिखना है, play.google.com.refund ऐसा करके लिख करके इसको सर्च करोगे तो रिक्वेस्ट योर गूगल प्ले रिफंड करके एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब जैसे ही ये वाला ऑप्शन खुल करके आएगा भाई लोग, आपको यहां पर दिखाता, आपको यहां पर उस जगह पर आपको चेक करना कि आपका जो जीमेल आईडी यहां पर जिसमें आपको रिफंड लेना वो जीमेल आईडी ही यहां पर लॉगिन होना चाहिए। तो आपको मेरा ये वाला जीमेल आईडी पर रिफंड लेना, तो ये जीमेल को यहां पर मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करोगे तो आपका सामने इस तरह से करके इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बगल में तो यहां पर 4% कंप्लीट हुआ। यहां पर आपको पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, फिर डायरेक्टली कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना। बोल रहा है कि ये वाला जीमेल पे आपको रिफंड चाहिए ना, हाँ या ना, तो ये बोल रहा है कि हाँ इसी पे चाहिए मुझे, तो यहां पर करना
कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर बोल रहा है आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। अब बोल रहा है कि भैया आप देखिए दो दो को चीज यहाँ पर से लिए थे, एक को 750 वाला लिए थे, एक 380 वाला लिए थे, तो किसको किसको रिफंड चाहिए, तो मैं दोनों सेलेक्ट करूंगा, दोनों को नहीं एक एक करके होगा ठीक है। एक यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 750 वाला, और यहाँ पर 750 300 वाला ना, तो 300 वाला भी कर सकते हो, कैसा कोई दिक्कत नहीं, आप 300 भी लेना चाहते हो 300 वाला भी रिफंड ले सकते हो। यहाँ पर 300 का सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, अब मेन ऑप्शन यहाँ पर खुल के आएगा, बोल रहा है कि भाई किस कारण से आप इसको रिफंड करना चाहते हो, तो बोलना आई परचेस दिस बाय एक्सीडेंटली, मैं गलती से इसे परचेस किया था ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहां पर आपको बोला कि इशू क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कीजिए, यहां पर आपको इशू में लिखना आई वांट रिफंड, ओनली लिखना आई वांट रिफंड, और कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं बनाना, आई वांट रिफंड लिख करके रिक्वेस्ट रिफंड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट रिफंड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, बोल रहा है योर रिफंड रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट फॉर रिव्यू, और ये है सो आपको 15 मिनट का टाइम लगता है डिस्कशन में, उसके बाद फिर आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा इसको पूरा सक्सेसफुल होने में। तो आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो चेक योर गूगल प्ले रिफंड स्टेटस को चेक करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसमें रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हो। इसमें बोल रहा है कि अंडर रिव्यू में ये है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको आगे का ऑप्शन की तरफ लेकर के चला जाता हूँ। आगे का मतलब एक तो यहाँ पर हुआ है रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा इसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले बाहर निकल लेता हूँ, इसके जस्ट बाद में आपको बाहर निकलना, बाहर निकलने के बाद में आपको एक बार और बाहर निकलना, फिर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, फिर से मैं कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक किया, आप यहाँ पर बोल रहे कि इसको यहां पर मैं रिफंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आपको अब 700 लेकर के देखते हैं। देखो 300 वाला तो मेरे यहां पर हो चुका है कंप्लीट, अब एक ही रिफंड को बार-बार नहीं ले सकते हो ठीक है, एक बार एक रिफंड को एक ही बार ले सकते हो, अगर इसका एक बार किया पेमेंट तो इसको एक ही बार आप रिफंड ले सकते हो, और मुझे इसमें एक और बेनिफिट पता चला, जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी आई परचेस दिस बाय एक्सीडेंटली से करके कर देना, इसमें भी नहीं, अगर अभी नहीं करना तो यहां पर बोल रहा है कि परचेस मेड बाय फ्रेंड फैमिली मेंबर विदाउट माय कंसल्ट, मतलब मेरा परमिशन के यहां पर से ये ले लिए ठीक है, और उसी प्रकार से भी लिखना आई वांट रिफंड जस्ट उसी प्रकार से ठीक है, जस्ट जिस तरह से मैं उससे फर्स्ट में बताया उसी प्रकार से इसे भी कर देना है, दोनों का जितना भी आप रिफंड लेते हो लाइक इसी प्रकार से आपको कर करके रिफंड करना है। फिर आपको यहां पर से इस तरह से करके यहां पर एरो का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एरो नहीं इसमें बैक करते हैं, यहां पर कंटिन्यू रिक्वेस्ट रिफंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई वांट रिफंड का ऑप्शन पे क्लिक करके 750 वाला ले रहे ठीक है, रिफंड अगर मैं करने वाला हूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि टेक मी टू इट्स, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका भी स्टेटस चेक करना चाहते हो तो इसका भी स्टेटस कुछ इसी प्रकार से करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। बोल रहा है ये भी अंडर रिव्यू में है ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, बोल रहा है कि यू हैव करंटली यू हैव टू रिफंड अंडर रिव्यू, दो को रिफंड अभी आपका अंदर में रिव्यू में है, रिव्यू कंप्लीटेड हो चुका है, एक मेरा एक रिव्यू कंप्लीट हुआ था क्या जिसका इंस्टाग्राम पर मैं एक यहाँ पर से नहीं लिया था मीटा थी टिक ब्लू टिक वाला मैं लिया था, उसी को मैं रिफंड कर रहा था ठीक है, तो वाला मेरा कंप्लीटेड दिखा रहा है, यहाँ पर देखो अंडर रिव्यू में दो को यहाँ पर अभी देखने मिलता है, जो कि ये 750 वाला है और एक 380 वाला, तो ये सब मेरा जैसे ही है कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको लाइव प्रूफ इसमें बताता हूं। और हां इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता था, चलो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, और हां जो भी आप इसमें से डायमंड रहोगे तो रिफंड यहां पर सबमिट करोगे ना, तो सबमिट होने के बाद में अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा अभी तक यहां पर डायमंड यहां पर कट नहीं हुआ, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, यार 1 मिनट यार मैं से पहले स्क्रीन को लॉक कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग गौर देखो, यहां पर गौर से देखोगे तो 985 डायमंड अभी भी मेरे पास पड़े हुए, ये डायमंड पड़े हुए थे भाई, अब मैं इसके बाद जो रिफंड मुझे मिला आपको दिखाता हूं, मुझे रिफंड मिल चुका था, तो रिफंड मिलने के बाद में मुझे रिफंड मिलने के बाद में भी भाई मुझे पता था कि वो रिफंड मुझे मिलेगा, बोल रहा है कि आपको गूगल से यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि योर रिफंड रिक्वेस्ट गूगल प्ले हैज बीन रिव्यूड, आपका जो गूगल प्ले रिफंड है वो रिव्यू कर लिया गया है, वी हैव रिव्यूइंग आपको 380 वाला जो है ये वाला, और उसके बाद फिर आपको बोला कि ये रिव्यू में चला गया है और आपको थोड़ा सा वेट करना है 1 से लेकर 4 बिजनेस दिन तक, यहां पर साफ से लिख रहा है 1 से लेकर 4 बिजनेस दिन तक आपको वेट करना है, फिर आपका ये पेमेंट आपको जिसे रिफंड वाला रहेगा ये रिफंड आपको रिसीव हो जाएगा। और मेरा बैलेंस अगर देखिएगा तो गौर देखो अगर मेरा बैलेंस में आप लोग गौर देखो कितना सारा बैलेंस कम बच गया ठीक है, 290 रुपये सिर्फ बचे हुए, बाकी मेरा सबका सब पैसा यहाँ पर से खत्म हो चुका है। पेमेंट हिस्ट्री में बजट हिस्ट्री में देखोगे तो 750 और 380 यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर मैं डाला हुआ था, ये यहाँ पर मेरा पेमेंट यहाँ पर इस जगह पर देखने को मिलता है, ये कट हुए यहाँ पर 750 और 380। अब मुझे वेट करना है क्या चीज़ का पता है, मुझे वेट करना है मेरे रिफंड आने तक का, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फटाफट से मैं वेट करता हूँ, ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, मात्र 24 आवर तक का वेट करना पड़ता है ठीक है, 24 आवर के अंदर
में आपको वो रिफंड तुरंत का तुरंत में रिसीव हो जाता है। अब मेरा जो रिफंड था मुझे रिसीव हो चुका था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरा जो पबजी था, पबजी में से पबजी ने बोल रहे बीजीएमआई में से, यहाँ पर आप लोग दिखा था बीजीएमआई से, यहाँ पर मैं बीजीएमआई में से बीजीएमआई मतलब बीजीएमआई का जो था ना यूसी, वो यूसी भी मुझे यहाँ पर रिफंड नहीं मतलब काटा नहीं था यार, मेरा यूसी भी बचा ही हुआ था मेरा आईडी के अंदर में, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा यूसी भी बचा हुआ था और मेरा रिफंड भी मुझे रिसीव हो गया था, और मैं आपको दिखाऊंगा भी मेरा रिफंड मुझे आया हुआ वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग में करके रखा हुआ था ताकि आपको बस दिखा सको, ठीक है। अभी आप लोग गौर से देखो यहाँ पर मेरा यहाँ पर गेम आईडी लॉगिन ले रहा है, और हाँ ऐसा होता है कि अगर मान के चलो आपका जो रिफंड है रिफंड सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यूसी नहीं कटा है, ठीक है, जैसे मेरा मान के चलो यूसी नहीं कटा था और मुझे और भी यहाँ पर यूसी रिसीव हो चुके थे, जिससे यहाँ पर मैं गाड़ी लिया, ये ड्रेस लिया, गन का स्किन लिया, तो बहुत कुछ लिया ना, यहाँ पर मेरा कट हो चुका है, यहाँ पर देखो 165 यूसी मेरे पास बचे हुए, जब मैं यहाँ पर गेम में था तो मेरा पूरा पूरा यूसी भी यहाँ पर रह गया था, मतलब खत्म नहीं हुआ था यूसी, ये पूरा का पूरा यूसी मेरे पास जमा था। अगर यहाँ पर इसका भाई कहीं हिस्ट्री दिखता होगा ना, इवेंट शॉप ये सब कुछ दिखता ना, तो आपको मैं दिखा लेता हिस्ट्री में कि कैसे कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा रिफंड है, वो रिफंड कुछ दिन के अंदर नहीं 24 आवर के अंदर में मेरा जो रिफंड था वो रिफंड आ चुका था। यहाँ पर देखो दो को मेल आया हुआ है, ये मेल मुझे यहाँ पर गौर से देखो तो बोल रहा है योर गूगल प्ले रिफंड हैज बीन अप्रूव्ड, यानी कि मेरा जो गूगल प्ले का रिफंड था वो अप्रूव्ड हो गया है, आपका गूगल प्ले रिफंड आपको सेंड कर दिया गया। यहाँ पर साफ साफ देखोगे तो बोल रहा है वी हैव इश्यूड रिफंड फॉर 380 फॉर बीजीएमआई के, यहाँ पर जो है ना बैटल ग्राउंड मोबाइल, जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाला, ये जो रिफंड है ये रिफंडेड हो चुका है, यानी कि आपका जो पैसा था वो आपको रिटर्न कर दिया गया है। यहाँ पर गौर देखो तो तो वाला था, अब यहां पर गौर देखो 750 वाला भी रिफंड मेरे यहां पर वापस आ चुका है, यानी कि मेरा दो रिफंड था, दोनों का दोनों रिफंड मुझे यहां पर से रिसीव हो चुके हैं, ये वाला भी रिफंड यहां पर मुझे आ चुका है और ये 380 वाला भी रिफंड मुझे यहां पर से रिसीव हो चुका है, तो दोनों का दोनों रिफंड मुझे मिल गया। अब आपको रिफंड लेने का प्रोसेस तो आपको बता दिया हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जल्द से जल्दी रिफंड मिले तो भाई आप लोगों का जीमेल आईडी जो होता है, जीमेल आईडी का आप लोग कम से कम आपको जीमेल आईडी पुराना जीमेल आईडी होना चाहिए, जिस जीमेल आईडी से पेमेंट करो वो जीमेल आईडी पुराना होना चाहिए और आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आपको रिफंड मिलते हैं। तो कभी कभी रिफंड कैंसिल कर देता है यार, कभी कभी कंपनी कैंसिल कर देता है। अगर मान के चलो तो मेरा, अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्ले स्टोर पर जाता हूँ और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में अगर आप गौर देखोगे मेरा पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर बजट एक मिनट यार, बजट हिस्ट्री अगर जाओगे तो बजट हिस्ट्री में अगर आकर के देखोगे तो देखो यहाँ पर रिफंड एक दो को दोनों को रिफंड यहाँ पर हुआ, लेकिन इससे पहले देखो मैं फ्री फायर में कितना बार यहाँ पर से पैसे दिया 29 रुपया और ऐसे मेरा पेमेंट का सेक्शन यहाँ पर गौर देखो तो यहाँ पर भी जितना, बट भाई रिफंड में नहीं मारता था तो मेरा क्रेडिट बना हुआ है। तो अगर आप लोग भी क्रेडिट बना करके रखते हो तो आपको टेंशन नहीं, आपका रिफंड 100% बोले तो 100% आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका रिफंड मिलेगा। बट कभी कभी होता है अगर आपका क्रेडिट खराब रहेगा तो रिफंड नहीं मिलता। देखो ये वाला जो वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई किया था ये भी रिफंड हो गया, और यहाँ पर दोनों का दोनों जो 380 वाला था और 750 वाला था ये भी मेरा रिफंड यहाँ पर से हो चुका, मतलब ये भी पैसे मेरे यहाँ पर रिफंड आ चुका है, ठीक है। दोनों दोनों यहाँ से रिफंड हो चुका है, अगर मेरा बैलेंस देखोगे तो मेरा बैलेंस भी अप हो चुका है, मेरा पहले का जो भी बैलेंस था वो बढ़ चुका है, ठीक है, 1420 मेरा बैलेंस यहाँ पर हो चुके हैं। ये तो रहा भाई रिफंड का बात। अगर एक बात और बताओ तो हमारे एंड्रॉइड एंड यूट्यूब चैनल पर जो अभी आप लोग जो मेरा बैलेंस देख रहे थे ना, गूगल प्ले का गिफ्ट बैलेंस, गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस, ये गूगल प्ले बैलेंस में खरीदता नहीं हूं भाई, ये गूगल प्ले बैलेंस में अर्न करता हूं। कैसे करता हूं तो हमारे एंड्रॉइड एंड यूट्यूब चैनल जो है, हमारे एंड्रॉइड एंड यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी अर्निंग वाले वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड अर्निंग एप्लीकेशन अगर आप गौर देखोगे तो आपको साफ साफ यहां पर दिखेगा, अगर आप गौर देखो तो गूगल प्ले रिडीम कोड के अर्निंग वाले एप्लीकेशन बहुत सारे मिलेंगे। देखो मेरा 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था उसके लिए यहां पर मैं वीडियो बनाता, देखो जितना भी है ना फ्री में गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड आपको कैसे लेना, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर, अमेज़न के गिफ्ट वाउचर, पेटीएम के गिफ्ट वाउचर, पेटीएम कैश, यूपीआई कैश, सभी तरह का अर्निंग एप्लीकेशन का जिक्र हमारे चैनल पर किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को फ्री में रिडीम कोड मिलेगा तो आपको रिफंड मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका पास पैसा ही पैसा होगा। तो भाई आप लोगों को मैं सब कुछ समझा दिया हूं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इसी प्रकार से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसके लिए आप लोगों का थैंक्स, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुए, तो आप लोग भी इस तरह से सपोर्टिंग करते रहो, मैं भी आप लोगों के लिए ढेर सारा अर्निंग एप्लीकेशन ला करके देता रहूंगा। और हाँ भाई अगर आप लोगों को गूगल इसमें एक और भी ऑप्शन आया था, जैसे अभी फ्री फायर में इसके ना आपको जीमेल आईडी पर एक 95% डिस्काउंट वाला ऑप्शन आया हुआ था, तो अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ 95% डिस्काउंट किसको किसको नहीं मिला है और किसी को चाहिए, तो 95% डिस्काउंट वाला कैसा इसको कैसे लेते हैं तो भी आपको बता दूंगा आज के इस वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो इतने ही पर रखते हैं, और आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो रिफंड है रिफंड कैसे करना है, और आपका जब भी रिफंड अगर फंस जाता है तो उसके लिए क्या दिमाग है। अगर आपका रिफंड कहीं भी एक दो बार कैंसिल हुआ है तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि रिफंड मतलब सक्सेसफुल कैसे हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली भाई कुछ भी करो रिफंड तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं
है कि नहीं होगा। और हाँ, कभी कभी आपका अगर बार बार अगर आप रिफंड करते हो और आपका पास डायमंड का खर्चा भी कर देते हो, तो भाई इन केस में आपका आईडी में माइनस में कोइन या फिर डायमंड या यूसी जो भी रहता है वो आपको माइनस में चला जाता है। तो आपको सब कुछ मैं समझा दिया हूं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर देना, अगर दिक्कत नहीं होता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।